हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फराज कुकिंग चैनल में आज हम चिकन स्पैगेटी की रेसिपी बनाएंगे। इसी तरह की रेसिपीज के लिए फराज कुकिंग चैनल को ज़रूर विज़िट करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। आज हम स्पैगेटी की रेसिपी बना रहे हैं। इसके लिए 600 ग्राम हम स्पैगेटी ले लेंगे। इसके अलावा जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होंगे, चिकन बोनलेस इसके पीसेस काट लें। एक मीडियम साइज का चिकन ब्रेस्ट लेके उसके इस तरह पीसेस काट लें। एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, बेल पेपर कटी हुई, आप अपने पसंद की कोई सी भी कलर की ले सकते हैं। एक कप चिली पेस्ट या चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून चाइनीज साल्ट अजेनोमोटो, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून व्हाइट वेनेगर, सिरका 2 टेबल स्पून, 2 अदद ग्रीन चिली कटी हुई, जिंजर या गार्लिक की पेस्ट या पाउडर आप ले लें। मैं यहाँ जिंजर गार्लिक का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर और 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून साल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑर्गेनो, 1/4 कप ऑयल। पास्ता सॉस में हम यहाँ 2 कप पास्ता सॉस इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पास्ता सॉस इस्तेमाल ना करना चाहें तो इसकी जगह आप जो टमाटर लेके उसकी पेस्ट बना सकते हैं, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पैगेटी को हम उबाल कर निकालेंगे, उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टीस्पून उसके अंदर साल्ट हम डालेंगे टेस्ट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। स्पैगेटी आप इस तरह राउंड स्पैगेटी इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह थोड़ी वाइड वाली। मैं यहाँ वाइड वाली बनाऊंगी। हीट ऑन करने के बाद बर्तन के अंदर 1/4 कप ऑयल डाल दें, प्याज डाल दें। प्याज को 5 मिनट के लिए हल्का सा गोल्डन कर देंगे। दूसरे स्टोव पर पानी उबालने के लिए रख दिया है। 1 टीस्पून साल्ट, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। अब इसके अंदर पास्ता डाल दें। पांच मिनट बाद इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पाउडर डाल दें। चिकन को प्याज के साथ 2-3 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर 1 कप पानी डाल दें। अगर आप ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो ग्रीन चिली डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। चिली पाउडर या चिली पेस्ट डाल दें, साल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और ऑरिगैनो डाल दें, वेनेगर, चाइनीज साल्ट और सोया सॉस डालकर तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको पकाएं। अब इसके अंदर कटी हुई बेल पेपर डाल दें। दो कप टमाटो पेस्ट या फिर पास्ता सॉस डाल सकते हैं। 1 कप पानी इसके अंदर शामिल कर दें। अब 5 मिनट इसको पकने दें। इस स्टेज पर आप इसके अंदर चिल्ली और साल्ट को चेक करके अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस पास्ते को चीज़ी बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर 200 ग्राम चीज़ को भी शामिल कर सकते हैं। इसको हम लास्ट में शामिल करेंगे। पास्ता डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर दें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हीट को ऑफ कर दें। अब चीज़ को छोटे छोटे पीसेस में काट कर इसके अंदर शामिल कर दें। मैं हाथों की मदद से ही तोड़ लूँगी। बड़ी आसान सी रेसिपी है। प्याज को लाइट गोल्डन करना है, इसके बाद इसके अंदर जिंजर गार्लिक पाउडर या फिर पेस्ट डाल देनी है। 1 मिनट के बाद इसके अंदर हम जो चिकन है उसको शामिल कर देंगे, स्पाइस डाल देंगे, पानी 1 कप डालकर 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इसके बाद इसके अंदर बेल पेपर कटी हुई डाल देंगे और उबली हुई पास्ता है वो शामिल कर देंगे। अब 5 मिनट के लिए इसको इसी तरह बंद चूल्हे के ऊपर पड़ा रहने देंगे। चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो इसके बाद हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे। चलिए इसको डिश में निकाल लेते हैं।
पास्ता की ये रेसिपी तैयार है। इसको मैंने स्पाइसी बनाया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर स्पाइस एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए फराज कुकिंग चैनल को ज़रूर विज़िट करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।